बेटा अभी स्टार्ट करेंगे क्लास। मेरा नाम है राजीव जैन, तो आपसे थोड़ी बहुत ही बातचीत करेंगे, थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, कुछ हम कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है? बस आराम आराम यस से पढ़ाई होगी हमारी, ठीक है? मजे मजे से पढ़ाई करेंगे और पता चलेगा क्या सीखना है, नई नई चीजें देख। कोई मुझे बताएगा कि पानी की बहुत समस्या है, ठीक है? पानी की समस्या है कि नहीं है, बताओ। यस सर है। तो कौन सा पानी जो है बहुत ज्यादा साफ होता है? सर डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल वाटर साफ होता है, मतलब कि अगर मैंने डिस्टिल वाटर घर पे बनाना है तो वो कैसे बनाएं? सर उस आपको प्योरीफाई करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, उसके सारे मिनरल्स और बैक्टीरिया निकालने पड़ेंगे। तो आपका मतलब क्या है कि बैक्टीरिया को निकाल दें तो वो क्या डिस्टिल वाटर बन जाएगा? नहीं सर, उसको मतलब कि पूरी तरह से प्योरीफाई करना पड़ेगा हमें। ओके, सो क्या डिस्टिल वाटर अगर हम बात करें डिस्टिल वाटर की, तो क्या वो डिस्टिल वाटर जो है वो पीने लायक है? सर हाँ भी और नहीं, सर पता नहीं। तो बेटा दो चीजें हैं, एक तो होता है डिस्टिल वाटर, दूसरा होता है ड्रिंक मिनरल वाटर। दोनों में फर्क, ठीक है? डिस्टिल वाटर और मिनरल वाटर में फर्क है। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसकी भाप नहीं होती, ठीक है? उसको वेपर बोलते हैं। तो जो वेपर को ठंडा करते हैं तो वो उसका पानी जो बनता है उसको बोलते हैं डिस्टिल वाटर। समझे मेरे साथ? कोई बताएगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? कोई बताएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? लिख लो चैट बॉक्स में, लिख लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, बोलो बोलो। कुछ करोगे तो फिर पता लगेगा। जीरो होता है कि 100 होता है? बस इतना पता। सर 100। हाँ 100 होता है, ठीक है? 100 होता है। तो अभी जो 100 डिग्री पे जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो क्या होगा, वो आगे उसके जो है वेपर बन जाते, वेपर को ठंडा करते हैं। तो लिखो मैं, तो जो सबसे प्योर पानी है जो नेचुरल फॉर्म में आता है वो बारिश का पानी प्योर। क्यों? क्योंकि बारिश, आप देखो बारिश कैसे होती है, पानी है, पानी इवेपोरेट होता है, पानी इवेपोरेट होके बादल बन जाते हैं, बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो बारिश होती है। तो जो वेपर पानी बने हैं, जो भाप बनी है, पानी की भाप बनी है, तो वो प्योर वाटर होता है। लेकिन क्या जो बारिश में पानी स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में बारिश पड़ती है तो साफ होता है कि थोड़ी देर में स्टार्ट होता है? ये बताओ। थोड़ी देर में। तो पहले क्या होता है? पहले पोल्यूशन बहुत है, पहले भी होगा मतलब साफ वाटर ही होगा। पहले साफ नहीं होगा, पहले क्योंकि पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन मिलके पानी आएगा, उसमें कोई गैसेस भी होंगी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सम H2S गैस होगी, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकती है। तो उसमें क्या होगा, जैसे फैक्ट्रीज है, फैक्ट्री बहुत धुआं उठाते हैं, तो धुआं धुआं जब उठाएंगे तो उसमें क्या है कि वो पानी के साथ मिलके आएगा, तो वो पानी साफ नहीं होगा स्टार्टिंग में, जो शुरू की बारिश, थोड़ी देर बाद बारिश जो हो रही है उसके बाद आधे घंटे बाद वो पानी साफ आएगा, ठीक है? पानी तो साफ ही था लेकिन हवा में पोल्यूशन होने के कारण वो गंदा हो गया। और अभी क्या है, हम बात करेंगे पानी को साफ करने के बाद। अभी आप देखो इतनी बारिश होती है, बारिश बहुत होती है, और पानी कहाँ पे जाता है? वो बारिश वाला नाली में चला जाता है, नाली से जो है तालाबों में चला जाएगा, या फिर तालाबों से रिवर में चला जाएगा, रिवर से ओशन में चला जाएगा, नदियों से समुन्द्र में चला जाएगा, वो सारा पानी वेस्ट होगा। देखो इतना साफ पानी और हमने क्या कर दिया, उसको भेज दिया वापस। तो इसके कारण क्या होगा, हमारा जो धरती, हम पानी कहाँ से पीते हैं, तो बताएगा कहाँ से पानी, घर में पानी कहाँ से आता है? सर ओशन नहीं, सर लेक में से, रिवर में से और पॉन्ड्स में से। नहीं, आपके पास घर में कहाँ से आता है? टैंक में से। टैंक में से, तो टैंक में से पानी कौन भरता है? टैंक से सर पता नहीं, टैंक से टैंक कैसे भरते हो पानी का? आपके घर के ऊपर टैंकी लगी होगी, वो कैसे भरते हो? सबमर्सिबल से। सबमर्सिबल पंप से ना? सबमर्सिबल पंप। सबमर्सिबल पंप मीन्स धरती से पानी निकालते हो,
या फिर म्युनिसिपल वाले भेज रहे होंगे आपको, दो ही चीजें हैं, या तो आप खुद धरती से निकालते हो या फिर म्युनिसिपल वाले भेजते हैं आपको, म्युनिसिपल का पानी आता है। तो म्युनिसिपल वाले कहाँ से लेते हैं, या तो धरती से लेंगे, ज्यादातर धरती से लेंगे, तो धरती का पानी तो कम हो रहा है, तो हमने तो धरती में पानी वापस डाला ही, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। यस। तो अभी हमारा जो टॉपिक है, आप स्क्रीन देख पा रहे हो आप? यस सर, देख रहे हैं। पिन कर दो, पिन कर लो उसको, उसको पिन कर लो, पिन कर लिया उसको, पिन करके देख पा रहे हो ना, ये दिखाई दे रही स्क्रीन? यस सर। और इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि उसका क्या, हमारा मकसद क्या है। ये देखा है किसने, पढ़ा, पढ़ोगे कोई? क्या ये लास्ट में लर्निंग आउटकम लिखा हुआ है, पढ़ो इसको, कोई एक एक पढ़े, मंजू पढ़ ले, सॉरी अनुष्का, अनुष्का आप पढ़ो। Friends learn about simple cleaning process such as fertilization, alum treatment, boiling, etc. Okay, very good. तो इसमें क्या है कि students learn about simple cleaning process such as filtration, alum treatment, boiling. तो जब हमने साफ पानी पीना है, सबसे पहले उसको फिल्टर करेंगे, उसके बाद में ट्रीटमेंट करेंगे किसके साथ, एलम के साथ, और उसके बाद बॉइलिंग करेंगे, ये तीन चीजें इसमें होंगी, ठीक है। जैसे आपने पहले बताया था कि बैक्टीरिया को किल करना है, तो बॉइलिंग जो है वो बैक्टीरिया को किल करेगी। एलम ट्रीटमेंट, अगर पानी में कोई इम्प्योरिटीज है जो घुली हुई है या मिट्टी है, तो वो जो है उसको हम रिमूव कर सकते हैं एलम के द्वारा। फिल्ट्रेशन मतलब कि जैसे हमारे घर में चाय छानने के लिए, चाय बनाते हैं, चाय को छानने के लिए छन्नी होती है, तो उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन, उसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद चीजों को समझें, ठीक है। रेडी हो सब? yes. एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी हो? यस सर। यस सर। तो ये क्या है हमारे पास, इसका एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, टू स्टडी हाउ टू क्लीन मड्डी वाटर। हमारे पास जो है, मान लीजिए बारिश का पानी इकट्ठा हुआ हमारे टेरेस पे, हमारी जो छत थी उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हुआ, वो नाली में गया, वो नाली में जाके जाने से पहले अगर हम वो पानी को कहीं और रोक लेते, उसको साफ कर लेते, तो वो पानी को हम वापस धरती में भेज सकते थे। तो उसके बारे में सोचते हैं, उसको कैसे कर सकते हैं साफ, ठीक है। टू क्लीन हाउ टू स्टडी हाउ टू क्लीन मड्डी वाटर, ठीक है, पता है क्लियर। और ये बीकर बताओ कि, दो बीकर है यहाँ पे, दो बीकर दिखाई दे रहे हैं आपको? यस सर। एक खाली है, दूसरे में क्या है? यस वाटर, सब मड्डी वाटर, मड्डी वाटर, मड्डी वाटर की गंदा पानी है, उसमें मिट्टी मिली हुई, और उसके साथ एक क्लोथ है जिसको बोलते हैं मुस्लिम क्लोथ। मुस्लिम क्लोथ मीन्स मतलब उसके ब्रीक शेड होते हैं, उसके शेड क्या होते हैं, बरीक होते हैं, बस यही है। हम क्या करेंगे, हमने इसको छानना है, तो क्या करेंगे, ये वाला क्लोथ है मैं यहाँ पे रख देता हूँ, रख दिया, तो क्लोथ को ऐसे लगाते हैं ना, ऐसे लगा सकते हैं हम, ये आप लैब में भी कर सकते हो, ठीक है। और ये वाला मड्डी वाटर मैंने इसमें डाल देना, डाल दू, डाल दू? तो ये डाल दू, ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो साफ हुआ ही नहीं, आप ये देखो, ये मुस्लिम क्लोथ के ऊपर मिट्टी जमगी। यस सर। तो इसका मतलब मुस्लिम क्लोथ जो है, मोटी जो मिट्टी है उसको तो रोक पा रहा है, लेकिन ब्रीक मिट्टी को रोक नहीं पा रहा, क्योंकि वो वाले कण, वो वाले पार्टिकल्स इसमें पानी में घुल चुके हैं, जो कि क्लोथ से भी पास हो गए। अभी इसको कैसे साफ करें, ठीक है, अभी इसको भी साफ करना पड़ेगा ना, ऐसा पानी तो पी नहीं सकते, नहा नहीं सकते, उसको यूज नहीं कर सकते हम, तो कैसे करेंगे उसके लिए फिर आगे एक और चीज बताते हैं। ये पहला स्टेप, क्या क्या स्टेप इसके बारे में सोच सकते हो, क्या स्टेप है ये जो स्टेप है, जिसको हमने क्लोथ में डाल के उसके मोटे मिट्टी के पार्टिकल्स लग किए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हमने तीन प्रोसेस पढ़ी थी ना, सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं सर, वो फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, और दूसरा
सर दूसरा सर एक तो फिल्ट्रेशन था, एक ड्रिलिंग था, और सर एक था एलम वाला था ना, एक एलम वाला। यस सर, हाँ एक एलम। तीसरा था बॉयलिंग, ठीक है। पहला हमने कर लिया, अभी अभी हमने क्या किया, इस इंप्यूरिटी को बोलते हैं सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज ऑफ मडेड वाटर। सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज मतलब कि जो इंप्यूरिटीज पानी में घुली नहीं है उसको बोलते हैं सस्पेंडेड इंप्यूरिटी। उनको हमने रिमूव कर दिया, जो मोटे पार्टिकल्स है उसको रिमूव कर दिया, लेकिन जो घुले हुए पार्टिकल है वो रिमूव नहीं हुए। तो उसके लिए हमें नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा, उसके बोला था एलम का जो ट्रीटमेंट था, ठीक है एलम का। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये पकड़ेंगे इसको एलम को, ठीक है ये पकड़ा, ये स्टिक yes. हो गया, ये बन गई। इसको क्या, ये फटकड़ी का नाम सुना आपने, फटकड़ी का, फिटकड़ी, फिटकड़ी का नाम सुना, ये जो दुकान होती है ना किराने की, वहां से फिटकड़ी मिल जाती है, फिटकड़ी वो साफ करने के लिए यूज। आप घर पे भी ये कर सकते हो एक्सपेरिमेंट। फटकड़ी, हाँ फिटकड़ी, फिटकड़ी बोलते हैं उसको, फिटकड़ी मार्केट से मिल जाती है, सस्ती है, वो महंगी नहीं होती है, 1-2 रुपए की मिल जाती है, छोटा सा पीस, ठीक है। तो इसको हम इसके बीच में रखेंगे, रखिया। अभी इसको क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, उसको मिला रहे हैं। यस सर। अभी घड़ी देखो, घड़ी देखो, घड़ी टाइम हो रहा है, हो रहा है। यस सर। अभी इसका कलर चेंज होगा, चेक करना, हो गया। यस सर, कलर चेंज हो गया। अभी जो मड्डी वाटर था उसको क्या हो गया, वो नीचे बैठ गया मड्डी। यस सर, बैठ गया ना। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। इसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। सेडी मीन्स जो पार्टिकल्स थे पहले घुले हुए थे पानी में, बारीक पार्टिकल्स थे, वो क्लोथ से पास हो गए, जो वो उसको बैठाने के लिए, नीचे बैठाने के लिए हमें क्या डाला, एलम ट्रीटमेंट किया, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, ठीक है, SEDI, सेडिमेंटेशन, MENTmentation, MENTATION, राइट। तो अभी yes. जो है ये पानी हमारा हो गया अभी साफ, ठीक है। अभी क्या yes. करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो अभी फिर इसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और इसको फिर इसमें डालेंगे। अभी आपका पानी जो हो गया साफ, ठीक है ना, अभी साफ हो गया। अभी yes. उसके बाद yes, अभी तो दो ही स्टेप हुए हैं, तीसरा स्टेप तो रह गया, कौन सा स्टेप रह गया सर, बॉइलिंग, बॉइलिंग रह गया। तो बॉइलिंग के लिए क्या करेंगे, तो जिस बीकर में पानी है इसको ऊपर रखेंगे, ठीक है, और बर्नर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है बर्नर yes, को sir. अभी गर्म हो रहा है, बॉइलिंग हो रहा था, बॉइलिंग yes, में क्या करना है, बॉइलिंग क्या करेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा, बैक्टीरिया को किल करेंगे ना, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, इसका जो बॉइलिंग वाटर जो है हमारा यूज करने के लायक होगा, इवन हम पी भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। यस सर। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट, इसमें इसको बंद करेंगे, अभी बंद कर दिया मैंने, तो ये हमारा रेडी होगा। अभी आपको तीन चीजें क्लियर हुई इसमें, यस सर, ठीक है। अभी हम दोबारा उस चीज को समझेंगे कि क्या हमने क्या किया, हमने क्या किया था, हमारा एम क्या था कि क्लीन वाटर बनाना मड्डी वाटर से, एम क्लियर आपको, यस सर, ठीक है। उसमें कौन से तीन स्टेप किए हमने, पहला स्टेप था फिल्ट्रेशन, पहला स्टेप क्या था, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में जो बड़े पार्टिकल्स हैं जिसको हम सस्पेंडेड पार्टिकल बोलते हैं, सस्पेंडेड, SUS, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स, तो वो रिमूव कर लिया हमने, कैसे, वो मुस्लिन क्लोथ के ऊपर डाल के किए। दूसरा स्टेप क्या था, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन किसके साथ किया, आपको पता है सेडिमेंटेशन किसके साथ किया, उसमें क्या ऐड किया था हमने, एलम, एलम। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है कि पहले पानी में पार्टिकल्स घुले हुए थे, जब हमने एलम को मिलाया उसमें घुमाया, वो पार्टिकल्स नीचे बैठ गए, जो नीचे बैठने वाली जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। जब सॉलिड जो गंदगी वाले पार्टिकल्स थे उसको नीचे बैठ गए थे, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। जब हमने वो दोबारा जो है वो बीकर को दूसरे बीकर पे डाला, उसको टिल्ट करके,
उसको बोलते हैं डीकैंटेशन। डीकैंटेशन में क्या है कि जो वो नीचे वाला सैंड पार्टिकल है उसको नहीं हम डालते, ऊपर वाला क्लियर ओनली उसको डालते, उसको बोलते हैं डीकैंटेशन। मेरी बात समझ रहे? डीकैंटेशन का क्या है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, एक बार कंप्लीट करके ना फिर दोबारा डीकैंटेशन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में ये था हमारा, उसके बाद हमने बॉइलिंग किया, ठीक है। अभी मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ वही चीज, ये देखा मान लो हमारे पास था, अभी फटाफट जल्दी गए जल्दी बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। तो हमने पहले फर्स्ट स्टेप क्या था, क्लोथ को लिया, ले लिया क्लोथ को और इसको इसमें डाला, डाल दिया और ये कुछ पार्टिकल्स ऊपर रह गए, कुछ घुले हुए हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये एलम को लिया, एलम को इसमें डाला, ये मिक्स हुआ और ये प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। गॉट इट? इसमें थोड़ी देर के पार्टिकल्स नीचे बैठ जा रहे हैं गंदगी वाले, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है ये वाला, ये अभी जो स्टेप कर रहे हैं हम, ठीक है, अभी ये स्टेप कर रहे हैं, इसको देखो आप ध्यान से। इसमें क्या कर रहे हैं हम, जो ऊपर वाला ये पूरा डाल दिया, ये पूरा नहीं डालते एक्चुअली, जो नीचे मिट्टी रहती है ना तो उसी में रह देते हैं, उसको बोलते हैं डीकैंटेशन। जो ऊपर वाला साफ साफ पानी है उसमें उसको ही डालते हैं, उसको बोलते हैं डीकैंटेशन, ठीक है। ये स्टेप था डीकैंटेशन का। तीसरा स्टेप आपको पता ही है, वो जो है वो है बॉइलिंग का, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से आपको क्लियर है सारे कुछ, जो बॉइलिंग क्यों करते हैं, जर्म्स किल करने। अभी सारे स्टेप क्लियर हो गए आपको? यस सर, हो गए। ओके, अभी हमारा क्वेश्चन आंसर आएगा सेशन, अभी आपने जवाब देने हैं क्वेश्चन आंसर इसके। अभी कौन किस कोई मतलब कौन जो है, अभी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक रोहित, रोहित ने तो जवाब नहीं दिया कोई। रोहित आप आंसर दोगे, फर्स्ट एक एक करके देगा आंसर, पहले रोहित देगा, उसके बाद अनुष्का देगी, उसके बाद है सुदीप, उसके बाद संजीव। सो एक एक करके आपने जवाब देने हैं, ठीक है। किसी को नहीं आएगा फिर नेक्स्ट स्टूडेंट दे सकता आंसर। फर्स्ट वाले में फिल्ट्रेशन किसने बोला, रोहित ने? गुड, वेरी गुड। प्रोसेस इन विच मैं दे, मुझे नहीं पता इसका आंसर, जब आपने बोल दिया मैंने चेक कर देना है, ठीक है, बाद में चेक करेंगे सारे, ठीक है। अभी सेकंड बोलो, कौन बताएगा, सेकंड वाला कौन बताएगा भाई, हैंड रेज करो, कौन बताएगा मुझे पता चले। सर एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते हो? क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन बोलता हूँ मैं, क्वेश्चन बोल रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ हैवियर कॉम्पोनेंट इन ए मिक्सचर। जो सेटलिंग है, सेटलिंग ऑफ हैवियर, जो हैवियर कॉम्पोनेंट, जो मिट्टी के कण थे, जो भारे कण थे वो नीचे बैठ रहे हैं, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं, डीकैंटेशन बोलते हैं। बता रही हूँ सेडिमेंटेशन। चलो सेडिमेंटेशन को लॉक कर दे फिर। यस सर, लॉक कर दिया। चलो तीसरा क्वेश्चन कौन बताएगा, देखो, प्रोसेस ऑफ पोरिंग, पोरिंग मतलब उसको ट्रांसफर करना, आउट और रिमूवर ऑफ अपर लेयर, और ऊपर जो क्लीन लेयर है उसको ट्रांसफर करना किसमें, दूसरे बीकर में, उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शंस हैं आपके फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, थ्रेशिंग, डीकैंटेशन। डीकैंटेशन, डीकैंटेशन है, सुदीप ने आंसर दिया है। चलो गुड, देखते हैं आंसर सही है कि गलत है। ओके, आगे देखेंगे। चलो उसके बाद में हमारा है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस यूज फॉर किलिंग जर्म्स, जर्म्स को किल करने के लिए कौन सी प्रोसेस। बॉइलिंग, बहुत बढ़िया, जो पहले बता दिया आपने, ठीक है। चलो फिफ्थ जो है, ट्रीटिंग द वाटर विद एलम हेल्प्स इन, एलम डाला था हमने तो क्या उसको क्या मदद करता है, सेटलिंग ऑफ फाइन पार्टिकल्स, कंडेंसेशन ऑफ वाटर, सेटलिंग ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, किलिंग जर्म्स, क्या काम करता हो, सस्पेंडेड पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल्स ऑफ द पार्टिकल्स। हाँ जी, सेटिंग ऑफ द पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल, इन्होंने दो पार्टिकल्स लिख दिए, फाइन पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सर मैं बताऊं? बोलो बोलो। सस्पेंडेड पार्टिकल्स। चलो देखते हैं, पता नहीं मुझे फाइन आएगा कि सस्पेंडेड आएगा, पर देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, डिफरेंस इन द साइज ऑफ द पार्टिकल, डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ पार्टिकल, डिफरेंस इन द मास ऑफ पार्टिकल। कहता फिल्ट्रेशन जो है क्या, उसका उसका बेसिक क्या है,
साइज से डिफरेंस होगा पार्टिकल का, वो बेसिस है कि डेंसिटी के सॉल्युबिलिटी के मास, कोई भी बताए। वो बोलता है जब फिल्टर किया था आपने तो उसमें कुछ पार्टिकल चले गए थे, कुछ रह गए थे, तो वो जो प्रोसेस है उसका बेसिस क्या है, साइज का है कि डेंसिटी का है कि सॉल्युबिलिटी का है कि मास का? थर्ड साइज का नो सर, सर थर्ड है। यस सर, पहले मैं क्या करता हूँ साइज ही रहने देता हूँ, अगर गलत होगा तो फिर हम देखेंगे, ठीक है? ओके सर। नाउ अभी नेक्स्ट, टू इमिसिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय, इमिसिबल क्या होता है कि दो जो घुलते नहीं है, जैसे तेल और पानी वो घुलते नहीं है, इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट कैसे करें, थ्रेशिंग से करें, डीकैंटेशन से करें, सेडिमेंटेशन से करें, फिल्ट्रेशन से करें, कैसे करें? दो जो घुलते नहीं है मिक्सचर, जो मिक्सचर घुलेंगे नहीं, तो घुलेंगे नहीं तो फिर कौन सी प्रोसेस यूज करें, डीकैंटेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, थ्रेशिंग? सर फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन तो बेटा जो घुलते हैं तब यूज करते हैं, जैसे मिट्टी घुली हुई थी पानी। अभी मुझे बताओ कि अगर कोई घुलेगा नहीं तो उसमें डेंसिटी डिफरेंस होगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया तेल और पानी की, तेल और पानी मिल जाते हैं? नो सर, नहीं घुलते। नहीं घुलते तो क्या करेंगे, तेल को सीधा ही टेढ़ा करके उसको उसको डिकेंट कर देंगे, उसको बोलते हैं डिकेंटेशन, ठीक है ना? तेल तो ऊपर ही रहेगा, उसको ऊपर से वैसे ही उठा देंगे, उसको बोलते हैं डिकेंटेशन, ठीक है? डिकेंटेशन मार्क कर दो। अभी नेक्स्ट बोलो, एट्थ लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर फिल्टरिंग फाइन पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स को यूज के लिए ये काम नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा काम? फाइन पार्टिकल्स, फाइन होते हैं ब्रीक पार्टिकल, फाइन का मतलब क्या है, ब्रीक वाले पार्टिकल, क्या नहीं यूज कर सकते? मुस्लिन क्लॉथ, सीव, स्किमर, फिल्टर पेपर? सर मुस्लिन क्लॉथ, मुस्लिन क्लॉथ, मुस्लिन क्लॉथ यू आर नहीं यूज कर सकते। अभी दोबारा देख लो एक बार जो भी आपने आंसर लगाए हैं, फिर हम चेक करने लगे हैं कि वो सही है। पहले आपने बताया कि प्रोसेस जो है उसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं, दूसरा बताया आपने हैवियर कॉम्पोनेंट, प्रोसेस ऑफ सेटलिंग, सेटलिंग वाले को आपने बोला सेडिमेंटेशन होगा, तीसरा आपने बताया कि प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट और रिमूवल ऑफ अपर लेयर, अपर लेयर को रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं डिकेंटेशन, चौथा आपने बताया कि बॉइलिंग से जर्म किल हो रहे हैं, फिफ्थ बताया आपने ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विल एलम हेल्प्स इन सेटलिंग ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल और फाइन पार्टिकल। अभी दोबारा बता लो, चेक कर लो, फाइन पार्टिकल्स होते हैं ब्रीक वाले, सस्पेंडेड होते हैं जो मोटे पार्टिकल्स होते हैं, चेक कर लो ये सही है, फिर आगे चले। सर फाइन पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल आएगा, चलो। यस सर, फाइन पार्टिकल आएगा जी, चलो आगे बताए। तो इसमें क्या है, प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है साइज के हिसाब से, टू इमिसिबल लिक्विड डिकेंटेशन से हम साफ कर सकते हैं उसको, उसके बाद में कौन सा क्लोथ जो है काम नहीं करेगा फाइन पार्टिकल के लिए, वो बोला है मुस्लिम क्लोथ। सबमिट कर दे। यस सर। यस सर, देखते हैं क्या आंसर आया आपका। ओह पहला तो सही है, किसने बताया था पहला? सर अभिनव। वेरी गुड अभिनव, क्लैप कर ले अपने लिए, सब क्लैप करो अभिनव के लिए, ठीक है? गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, सेकंड, सेकंड किसने बताया? प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ हैवियर कंपोनेंट, सेडिमेंटेशन, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है? मैंने। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट रिमूवल ऑफ अपर लेयर डिकेंटेशन, ये किसने बताया था? चलो अच्छा, गुड सुदीप, वेरी गुड। नेक्स्ट फोर्थ वाला, आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ किलिंग जर्म्स, ये किसने बताया था? सर अनुष्का। गुड, वेरी गुड, बॉइलिंग। द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विद एलम, ये किसने बताया? सर, ये बाद में आपने ठीक किया, पहले आपने बोला था सस्पेंडेड, उसके बाद में सही करके फाइन किया आपने, ठीक है, गुड। तो ये फर्क है बेटा सस्पेंडेड और फाइन में, सस्पेंडेड जो होते हैं जो फिल्टर क्लॉथ आपने यूज किया मुस्लिम क्लॉथ से रिमूव हो, बट जो फाइन पार्टिकल है ब्रीक पार्टिकल है वो उससे रिमूव नहीं हुए, वो उससे निकल गए थे, तो उसके लिए हमने एलम यूज किया उसको सेपरेट करने के लिए, ठीक है?
तो ये साइज के कारण ही था ना, पार्टिकल साइज उसका जो छोटा था इसलिए। और ये गलत हो गया हमारा एक क्वेश्चन, देखो गलत हो गया ना। कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फिल्टरिंग, कैन नॉट बी यूज्ड, तो क्या होना, पेपर भी गलत बता रहा है। स्किमर, स्किमर था इसका आंसर सी, ठीक है। ये है, ये तो सही बोला उसने, जो छन्नी है ना पूरियों वाली वो है स्किमर, देख पा रहे हो? यस सर, यस सर, यस। चलो अभी हमें पता भी चल गया स्किमर होता क्या, ठीक है सर। हमने सीखा कि वाटर को क्लीन कैसे किया जाता है, और सर तीनों पार्ट बताए थे भी कैसे किए जाते हैं, मैं भी सीख रहे थे। गुड, चलो अभी कोई और बताएगा कि उसमें हमने वाटर को साफ कैसे करना है। ये सर एक तो फिल्ट्रेशन, सर एक एलम जिसमें सेडिमेंटेशन, वेरी गुड। सेडिमेंटेशन के साथ एक चीज और वर्ड यूज करते हैं डी के साथ, सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन डीकेंटेशन दोनों इकट्ठे प्रोसेस होते हैं, सेडिमेंट को नीचे बिठाता है और डीकेंट जो ऊपर ऊपर का क्लियर उसको ट्रांसफर करते हैं, उसको डीकेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में लास्ट कौन सा है, बॉइलिंग सर। तो मान लीजिए हमारा बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है छत के ऊपर, तो छत वाले पानी को हम किसी ड्रम में डाल सकते हैं, वो ड्रम में अपने आप बैठ जाएगा उसको साफ करके, फिर उसमें कोई मान लो कपड़े का, क्लोथ का, कोई भी घर में क्लोथ का उसमें डाल सकते हैं, और उसके बाद एलम उसको डाल के वो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और ऊपर क्लियर उसको यूज कर सकते हैं हम, जैसे पेड़ पौधों के लिए या धोने के लिए, अपना फ्लोर वॉशिंग के लिए ऐसे करके यूज भी कर सकते हैं, नहीं तो हम ग्राउंड रिचार्जिंग भी कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, ठीक है। तो हमें पानी को बचाना चाहिए, आने वाले समय में पानी बहुत कम होने वाला है। चलो आगे हम नेक्स्ट चीज को अभी देखेंगे। अभी ये छोटी सी एक्टिविटी है, ये फिजिक्स की एक एक्टिविटी है, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तीन तरह के सब्सटेंस होते हैं, तीन तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक होता है कंडक्टर, एक इंसुलेटर, एक सेमीकंडक्टर, तीन तरह के। जैसे मान लीजिए लकड़ी, लकड़ी में करंट पास करता नो सर नहीं, अगर लकड़ी गीली हो फिर करंट, ठीक है ये भी ध्यान रखना। यस सर। लोहे में करंट पास करता, यस सर करता है, नो सर प्लास्टिक, लेकिन भी आजकल कई ऐसी तरह की प्लास्टिक आ गई है उसमें करंट पास कर सकते, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या होंगे, सेमी कंडक्टर्स, वो क्या होंगे सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स। उसका जैसे मान लीजिए हमारे जो कंप्यूटर की चिप होती है ना, कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर किससे बनते हैं, कंप्यूटर प्लास्टिक से तो बनते हैं अंदर, वो तो प्लास्टिक के अंदर वो करंट पास करता है, उसमें सर्किट्स होते हैं, तो इसका मतलब वो किसके बने हुए हैं, सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। तो yes, अभी हम इस एक्टिविटी से जानेंगे कि ये हमारे पास कई चीजें दी है, जैसे नेल दी है, रेजर दी है, कॉइन दी है, मार्कर दिया है, तो उसको लगा के देखेंगे कि बल्ब जलेगा कि नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं नेल लेके आता हूँ यहाँ पे, तो अगर बल्ब जल गया तो इसका मतलब उसमें करंट पास कर रहा है, नहीं जला तो उसमें लगेगा नहीं पास किया। अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हवा, ये दो टर्मिनल देख रहे हैं, दो टर्मिनल, yes। तो अगर इसके बीच में मैंने कनेक्शन नहीं किया, इसका अंदर, इसके अंदर क्या है, इसका मतलब हवा है, तो हवा क्या होगी, इंसुलेटर एक्ट होगी के कंडक्टर के सेमीकंडक्टर, सर इंसुलेटर, नो सर इंसुलेटर, इंसुलेटर होगी बेटा, इंसुलेटर होगी, ठीक है। अभी नेल को लगाते हैं, देखते हैं क्या चेंज आया, बताना दो क्या चेंज आया, सर करंट पास हो गया, बल्ब चल गया, इससे हमें पता चला, अगर इसको रिमूव कर दूं तो बल्ब बंद हो गया, अगर लगा दूंगा तो बल्ब चल गया, ठीक है। यस सर। अभी हम दोबारा इरेजर होती है हमारी, इरेजर होती है आपकी जो पेंसिल, yes, sir। तो इसको लगाएंगे चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ, नो सर नहीं चलेगा, देखो नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, ठीक है। क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि ये कौन सा सब्सटेंस है सर, इंसुलेटर, ठीक है इंसुलेटर। अभी इसको हटा के वापस, अभी हम कॉइन को चेक करेंगे, जो सिक्का होता है, सिक्का में चलेगा, सिक्का लगा, yes, देखो चल गया, तो सिक्का लगाने से चल रहा है क्योंकि ये पार्टिकल क्या है, कंडक्टर, ठीक है। ओके अभी वापस आ जाओ मार्कर,
मार्कर आपका होता है, ठीक है, मार्कर चेक करें। यस सर। मार्कर चल रहा है? नो सर। ये क्या है? इंसुलेटर। नो सर। ये क्या है? इंसुलेटर। ठीक है, अभी पता चलता है इंसुलेटर कि कौन से तरह के सब्सटेंस है। एक होते हैं कंडक्टर, दूसरे होते हैं इंसुलेटर, और उसके बीच वाले होते हैं सेमी कंडक्टर होते हैं। इसमें सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ा नहीं, अभी इसको बारे में बोलो, कौन बोलेगा, पढ़ पाओगे जो लिखा हुआ है? अभी बता, पढ़ के देखो सर। कौन से वाला पढ़ना है? ये सबसे पहली लाइन, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टेडी फ्लो ऑफ चार्ज इन अ क्लोज्ड सर्किट, द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कंडक्टिव मटेरियल सच एज मेटालिक एज इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, उसको किसको बोलते हैं? स्टेडी फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कि चार्ज फ्लो कर, क्या फ्लो कर रहा है? चार्ज। इलेक्ट्रॉन से कौन सा चार्ज होता है सर? इलेक्ट्रॉन में सर, एक मिनट रुक जाओ सर। नेगेटिव कर, ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है इलेक्ट्रिक का, ठीक है, पता लग गया? यस सर। तो अगर मैं बोलूं कि मेटालिक वायर है, जैसे कॉपर की वायर होती है घर पे लगी हुई, यस सर, वो वायर में आपकी बिजली आती है तो वो कॉपर की होती है, उसमें कौन सी चीज फ्लो कर रही है? तो मैं बोलूं चार्ज फ्लो कर रहा है, उसमें क्या फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर, सही बात है, इलेक्ट्रॉन्स। अभी नेक्स्ट आ गया कंडक्टर, अभी कंडक्टर के बारे में पढ़ो। A conductor is a material that allow easy flow of electric current when a voltage is applied across it. Yes. Example, silver, copper, gold, aluminium, graphite, sea water. Very good. अभी देखो बेटा कि क्या है कि वो बोलता है कि flow of electric current जिसमें easy flow होता है, easily flow होगा वो उसको बोलते हैं conductor, ठीक है? और कब yes. होगा? जब हम वोल्टेज अप्लाई, वोल्टेज का मतलब क्या है कि अभी आपको मान लीजिए वोल्टेज से बिजली डाउन और हाँ, हाई होती है, वो तो सही बात है, वो बिल्कुल सही है। अभी मेरी बात सुनो, अभी आपकी बाइक होगी घर, बाइक है तो बाइक को जब स्टार्ट करते हैं तब ही वो अपनी उसका जो है लाइट चलती है, उससे पहले लाइट चल सकती है स्टार्ट करने से पहले? नो नहीं। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर एक बैटरी होती है। यस सर। ठीक है, डाउन होगी तो सर बाइक नहीं चल पाएगी। यस, उसके बैटरी होती है उसमें, तो वो बैटरी क्या प्रोवाइड करती है आपको? वोल्टेज। तभी वो बल्ब चलता है, नहीं तो नहीं चल पाएगा। उसको बोलते हैं स्पार्क, स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग को भी चलाने के लिए बैटरी का इस्तेमाल होता है, जिसको बोलते हैं चौक लगा लो, ऐसे बोलते हैं ना, कई बार ऐसे बोलते हैं आपके पेरेंट्स बोलते हैं चौक लगा के चला लो, सर्दी में चल नहीं रहा चौक लगा लो। तो चौक क्या है कि उसमें जो है वोल्टेज, उसमें करंट देते हैं, थोड़ा सा स्पार्क देते हैं, ठीक है। उसको मतलब कहने का मेरा मकसद क्या है कि वोल्टेज क्या होती है जो बैटरी प्रोवाइड करती है, उसको बोलते हैं वोल्टेज। जैसे हम कह लो कि इन्वर्टर है, इन्वर्टर की बैटरी होती है घर पर, तो वो हमें क्या बता क्या देती है? वोल्टेज प्रोवाइड। वोल्टेज कहाँ पे? देखो ध्यान से देखो, अभी जो हमने पीछे ये दिखाया था, अब ये देख रहे हो ये बैटरी का साइन है, ये देख रहे हो? यस। ये बैटरी का साइन है, तो बैटरी साइन क्या करती है कि ये दोनों तरफ से जुड़ी होती है, एक पहला उसका ऊपर बल्ब को जा रही है, दूसरा जो है दूसरे कोने को जा रही है, तो दोनों एंड्स में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं वोल्टेज। वोल्टेज को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें वोल्टेज कितनी आती है? 220। कितनी आती है? 220 से 240 के बीच में आती है, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, ठीक है। अभी नेक्स्ट पढ़ो, कंडक्टर के बारे में पढ़ा आपने, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, ग्रेफाइट, सी वाटर, ये कंडक्टर्स। इंसुलेटर के बारे में बताओ फटाफट। एन इंसुलेटर इज द मटेरियल दैट इनहिबिट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। हाँ,
एग्जाम्पल प्लास्टिक ग्लास रबर वुड डिस्टिल्ड वाटर. देखो हमने पहले ऊपर सुना था कि जो सी वाटर है वो गुड कंडक्टर है. Yes, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर क्या है? बैड कंडक्टर. बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है. क्यों? क्योंकि उसमें हमने सारे मिनरल्स निकाल दिए, हमने सब आयंस निकाल दिए जिसके कारण करंट बनना था, करंट पास होना. समझे मेरी बात को? Yes, तो प्लास्टिक जो है, ग्लास है, रबर है, वुड है, तो वो सारे इंसुलेटर हैं जो कि रोकते हैं करंट को, करंट को अपने से पास नहीं होने देते. ठीक है, तीसरी चीज बोलो बेटा, सर्किट क्या? A circuit is a closed path through which electric current flow. It usually has a source of electricity such as a battery, a conducting path made of wires and other components such as a switch and a load. ठीक है, वो बोलता है कि सर्किट क्या होता है. जैसे हमने ऊपर देखा ये सर्किट, सर्किट में देखो क्या क्या है. एक तो ये बल्ब है, एक बैटरी है, ठीक है, और ये की है. की इसको बोलते क्या है? की मतलब स्विच, स्विच है. इसको ऑन कर देंगे, ऑन मतलब अगर इसमें ये लगा दोगे आप नेल तो वो ऑन हो गया. ठीक है, अगर आप इरेजर लगा दोगे तो फिर वह क्या हो गया? ऑफ हो गया. तो ये ऑन ऑफ स्विच है. ठीक है, अभी दोबारा उसको देखते हैं. सर्किट क्या है? क्लोज पाथ है जिसमें करंट फ्लो करता है और उसमें बैटरी भी होती है. देखा आपने, बैटरी है यहाँ, बैटरी भी है, की भी है और लोड भी है. तो ये बल्ब को क्या बोलते हैं? लोड. ठीक है, तो ये देखिए, इट हैज ए बैटरी, इट हैज ए वायर, वायर भी होती है, एंड इट हैज ए स्विच, स्विच भी होता है, एंड लोड भी होती है. ठीक है, पता लग गया सर्किट में क्या क्या चीजें है. सर्किट क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ है, उसके अंदर बैटरी भी है, उसके अंदर स्विच भी है, उसके अंदर वायर्स भी है, उसके अंदर एक लोड भी है, जो बल्ब होता है वो लोड. ठीक है, बल्ब की जगह पे हीटर भी लगा सकते हो, बल्ब की जगह पे टीवी भी लगा सकते हो, बल्ब की जगह पे फ्रिज भी लगा सकते हो. तो वो सारा उसको क्या बोलते हैं? लोड. ऐसे बोलते हैं ना, घर का कितना लोड है, उसको बोलते हैं. यस सर. बिजली वाले आते हैं, उसको पूछते हैं कितना लोड है आपका घर का, तो ये लोड होता है. ठीक है, नेक्स्ट. अभी बेसिक पार्ट ऑफ सर्किट क्या है? कंडक्टिंग पाथ, पावर सोर्स, लोड. तो आपको मैंने ये सारी चीजें बता दी है. तो ये था हमारा सारा जो कॉन्सेप्ट. तो उम्मीद करते हैं आपको समझ लग गया होगा. अभी मुझे बस लास्ट 5 मिनट्स है, आप मुझे समराइज करके बताओ कि क्या क्या हमने सीखा. एक एक करके बताएगा ये हर एक बच्चा, एक एक करके बताएगा. अब आप फोटो अपनी जो है कैमरा ऑन भी कर सकते हो अगर बैटरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो. बोलो बोलो सर. आज हमने सीखा कि वाटर को प्योरीफाई कैसे कर सकते हैं हम. ओके गुड. और रेन वाटर के मतलब कि जो रेन वाटर होता है वो क्लीन वाटर होता है, पर एनवायरनमेंट के आने के बाद वो पॉल्यूटेड हो जाता है, और उसको हम प्योरीफाई 3 मेथड से कर सकते हैं. जैसे जैसा आपने की बताया था, और फिर आपने 3 चीजें बताई थी, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर. सर इन सब चीजों में क्या क्या आता है सर, ये सीखा हमने. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. तो आपको अच्छा लगा? यस सर, बहुत अच्छा लगा. बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, फिर अभी रेस्ट करेंगे. तो उसके बाद में आप थोड़ा रेस्ट करो, काम करो, खाना खाओ. ठीक है, ओके. यस सर, बाय. ठीक है, ओके सर, बाय, गुड नाइट.